नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। कम से कम उन नेताओं को तो कतई नहीं जिनके घर का नाम ही शीश महल हो। यहां पर मैं बात कर रही हूं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अब 25 मई को दिल्ली में जो मतदान हुआ है उसके बाद से सुना है अरविंद केजरीवाल बहुत बौखलाए हुए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि दिल्ली में जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई है। वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए लिख लिख कर दे रहे हैं कि दिल्ली की 7ों सीटें आने वाली हैं, पंजाब की 13 सीटें आने वाली हैं, वगैरह वगैरह, उनको असलियत पता है। उनको पता है कि दिल्ली में एक भी सीट ना आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है ना कांग्रेस को मिलने वाली है। 2019 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। और इसी बौखलाहट में खबर ये आ रही है कि शीश महल में शनिवार देर रात फिर से मार पिटाई हुई है। अब कहते हैं ना कि जहां आग होती है धुआं वहीं होता है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि धुआं कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि अगर धुआं है तो आग लगी है। आग छोटी लगी है या बड़ी लगी है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर ये खबर आ रही है कि शनिवार देर शाम, बल्कि देर रात, शीश महल के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके दो मंत्रियों के बीच में गाली गलौज हुआ है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये खबर सच भी हो सकती है। क्योंकि स्वाति मालीवाल के मामले में भी 13 मई को कुछ इसी तरह से खबरें आनी शुरू हुई थी और उस वक्त भी लग रहा था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। और अब जो खबर आ रही है वो पुख्ता इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बाकायदा रविवार को ट्वीट किया। और कपिल मिश्रा खुद आम आदमी पार्टी से रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे काफी लंबे अरसे तक, और उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी आम आदमी पार्टी छोड़ने के साथ कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों के तीनों भ्रष्टाचार के आरोपों में एक दिन तिहाड़ जेल जाएंगे। और अब वो नौबत आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो 21 दिन के अंतरिम जमानत पर उनको रिहा किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब जो खबर आ रही है उसके बारे में बात करने से पहले आपको कपिल मिश्रा का वो ट्वीट दिखाती हूं। ये देखिए कपिल मिश्रा का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, इज इट ट्रू कल रात शीश महल में फिर मारपीट गाली गलौज हुई। ये कल रात की बात, वो शनिवार देर रात की कर रहे हैं। भ्रष्ट और अहंकारी कल चिल्ला रहा था, इससे अच्छा तो मैं जेल में ही रहता। जनता मुझे जेल में डलवाने के लिए वोट कर रही है। यानी कि शनिवार को ही दिल्ली में 7ों सीटों पर मतदान हुआ। अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि दिल्ली की जनता ने झाड़ू का बटन नहीं दबाया है। अपनी हर रैली और रोड शो में अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे कि झाड़ू का बटन दबाइए ताकि 4 जून को मुझे अंदर ना जाना पड़े। वैसे तो उनको 2 जून को सरेंडर करना है, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 4 जून को शायद मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि लोगों ने झाड़ू का बटन नहीं दबाया है, बल्कि झाड़ू के बटन पर झाड़ू चला दिया है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। और फिर आगे कपिल मिश्रा इस ट्वीट में क्या लिखते हैं, दो मंत्रियों को गंदी गंदी गाली देने लगा कि सारा दिन टीवी पर रहते हो, खुद की कंस्टिट्यूएंसी में टेबल तक नहीं लगवा पाए। अब ये जो टेबल लगवाने की बात है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जहां जहां पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे पोलिंग बूथ्स के बाहर, वहां पर कई जगहों पर तो आम आदमी पार्टी के लोग ही नहीं थे क्योंकि वहां टेबल ही नहीं लगाया गया था। तो अरविंद केजरीवाल इस बात से बौखलाए हुए हैं कि बहुत सी जगहों पर यह देखा गया पोलिंग बूथ के बाहर कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपना कोई वहां पर टेबल तक नहीं रखा था, जनता उन तक आ ही नहीं रही थी, इस बात से बौखलाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दो मंत्री कौन है, और ये दोनों मंत्रियों के लिए कहा गया कि आप दिन भर टीवी पर बैठे रहते हैं। वैसे भी ले देकर 4-5 मंत्री ही तो हैं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो बहुत वक्त नहीं लगेगा पहचानने में कि कौन ये दो मंत्री हैं। आगे कपिल मिश्रा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एक मंत्री ने पलट कर कहा कि हार तो आपकी नई दिल्ली विधानसभा से भी रहे हैं। यानी कि आईना दिखाया अरविंद केजरीवाल को कि
हार तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से भी हो रही है आम आदमी पार्टी की, तो आप दूसरे मंत्रियों को क्यों कोस रहे हैं? ये बहस हुई है दो मंत्रियों और अरविंद केजरीवाल के बीच में, ऐसा दावा कपिल मिश्रा अपने ट्वीट में कर रहे हैं। और कपिल मिश्रा की बातों पर इसलिए यकीन किया जा सकता है क्योंकि कपिल मिश्रा खुद आम आदमी पार्टी से रहे हैं और आज की तारीख में भी आम आदमी पार्टी के अंदर उनके दोस्त हैं, उनके सूत्र हैं और उन्हीं सूत्रों के हवाले से उन्हें ये खबर मिली है, इसीलिए उन्होंने एक्स पर बाकायदा ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। तो यानी कि ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी की जड़ें हिली हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जो दो मंत्री हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी में हार रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके मंत्रियों ने सुना दिया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भी हार रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं कपिल मिश्रा, आगे वो लिख रहे हैं कि उस मंत्री को चिल्लाकर कहा अरविंद केजरीवाल ने कि ज्यादा स्वाति मालीवाल बनने की कोशिश मत करना, तुम सबको देख लूंगा एक बार बाहर आने के बाद। फिर यहां पर स्वाति मालीवाल का जिक्र हुआ क्योंकि स्वाति मालीवाल इस वक्त धड़ल्ले से हर टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रही है और जितना डैमेज स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को करना था उतना डैमेज वो कर चुकी हैं। 25 मई को वोट डल चुके हैं और दिल्ली की महिलाओं ने ये सवाल उठाया है कि अगर अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर उनकी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो अरविंद केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? किस मुंह से ये कहा करते थे कि हर बस में या टैक्सी में या टेम्पो में या ऑटो में पैनिक बटन लगाएंगे? महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए दिल्ली के हर गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और हर बस में मार्शल तैनात किए जाएंगे? तो जो अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए इतने संवेदनशील हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी में उनके घर के अंदर उनके पूर्व पीए ने कैसे स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी? ये सवाल अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। भले ही वो जितने भी इंटरव्यू उन्होंने हाल फिलहाल में टीवी चैनल्स को दिए हैं उसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा उनको उन पर भारी पड़ गया है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे के चलते उनको लेने के देने पड़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इस मंत्री को भी कहा कि ज्यादा स्वाति मालीवाल बनने की कोशिश मत करना, तुम सबको देख लूंगा एक बार बाहर आने के बाद। आगे कपिल मिश्रा ने इस ट्वीट में लिखा है, शीश महल से कल देर रात तक गुस्से में चीजें तोड़ने और मंत्रियों सांसदों का नाम ले लेकर गाली देने की आवाजें आती रही। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। अरविंद केजरीवाल का बौखलाना लाजमी भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 25 मई से एक दिन पहले लगभग सभी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे और उनकी कोशिश ये थी कि शायद ये इंटरव्यू देकर वो दिल्ली की जनता के मन में एक बार फिर से अपने प्रति सहानुभूति जगा सके, विक्टिम कार्ड खेल सके, लेकिन वो सारे के सारे इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल पर उल्टे पड़ गए क्योंकि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि दिल्ली की महिलाएं सुनना चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि उनके घर के अंदर ही घटना घटी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले। और जितना वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे से कन्नी काट रहे हैं उतना ये मुद्दा उन पर भारी पड़ रहा है। लेकिन अंदर खाने खबरें यह आ रही हैं कि 25 मई को जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उसकी एक इंटरनल रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के पास आ गई है और उस इंटरनल रिपोर्ट में ये पता चल रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और स्वाति मालीवाल की मार पिटाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसलिए जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। ये इंटरनल सर्वे आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गया है। वैसे भी आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल तो ये कहा करते थे गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी कि आईबी की रिपोर्ट हमको मिली है, हमारे सूत्रों से पता चला है, हमको ये बताया गया है, हमको ये जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। 2017 के विधानसभा चुनाव जब पंजाब में हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी ने ये दावे किए थे कि उनको तो खुफिया तंत्र से जानकारी मिल रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने वाली है। तो ऐसे दावे अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। तो इसी के मद्देनजर वो ये भी कह रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाती हैं तो फिर उनको तिहाड़ जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अब उनको सर्वे से ये जानकारी मिल गई है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल के झाड़ू का बटन नहीं दबाया है, बल्कि झाड़ू के बटन पर झाड़ू फेर दिया है। इसीलिए बौखलाए हुए अरविंद केजरीवाल की अपने मंत्रियों के साथ ये बहस हुई होगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तो अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाने वाले हैं और उन पर लगातार ये दबाव बन रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा कर जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा हरगिज नहीं करना चाहते। उन्होंने हाल फिलहाल में 24 मई को जितने भी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है उसमें साफ साफ कहा है कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, वो सीएम की कुर्सी पर ही बने रहेंगे भले ही उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल जाना पड़े। उन्होंने तो यहां तक दावा किया कि वो साल भर भी अगर तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव तिहाड़ जेल के अंदर से लड़ेंगे और 70 की 70 सीटें जीतेंगे, ये दावा भी किया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ताकि तिहाड़ जेल के अंदर से वो सरकार चला सके। वो ऐसी व्यवस्था की गुहार लगाएंगे कि तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली सरकार की फाइलों को ले जाया जा सके और कैबिनेट की बैठक करवाई जा सके, यानी कि वो हथियार डालने वाले नहीं है। और ये बात आम आदमी पार्टी के विधायकों को नागवार गुजर रही है। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अगर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया था और 9 महीने के बाद सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा लिया था तो उन्हें भी तुरंत इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो क्यों अभी भी सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं? भले ही खुलकर आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसा ना कह रहे हो लेकिन दबी छुपी जुबान में ये बातें कही जा रही हैं। पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि वो तिहाड़ जेल में रहते हुए भी सरकार अंदर से चलाएं। और फिर अरविंद केजरीवाल तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के ऊपर थोपना चाहते हैं, जबकि आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह ये लोग भी सीएम के पद की रेस में है, ये भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और इनमें से किसी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जिद पकड़े हुए हैं कि वो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। और दूसरे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सुनीता केजरीवाल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इन 21 दिनों में जब से वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि पार्टी के अंदर वो सबको मना सकें कि सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। और फिर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की राह भी मुश्किल है क्योंकि किसी ना किसी विधायक से ही कहना पड़ेगा कि वो इस्तीफा दे और वो सीट खाली करे ताकि सुनीता केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ पाए, क्योंकि दिल्ली में तो कोई विधान परिषद नहीं है कि कोई एमएलसी बन जाए सुनीता केजरीवाल और इस तरीके से वो दिल्ली की सीएम बन जाए। तो राह बहुत मुश्किल है और अरविंद केजरीवाल मनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के विधायकों को, लेकिन लगता है बात बन नहीं रही है। और इसीलिए ये जो खबरें आ रही हैं कपिल मिश्रा के हवाले से कि शीश महल के अंदर शनिवार देर शाम मारपिटाई हुई है, आपस में बहुत बहसबाजी हुई है, अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को लताड़ लगाई है और खबर आ रही है कि मंत्रियों ने भी अरविंद केजरीवाल को जमकर सुनाया है, तो ये खबरें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि 24 मई को अरविंद केजरीवाल ने जो इंटरव्यू दिया था जिसमें साफ कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन अगर बात निकली है तो इसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।